तो कुर्बानी देना पड़ती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर आसिम के हवाले से उनको पेश किया गया एहतसाब। अदालत ने सहाफियों से की है गैर रस्मी गुफ्तगू और इसी गुफ्तगू के बारे में जानेंगे मोहम्मद इरफान से। इरफान बताइएगा क्या कहते हैं डॉक्टर आसिम। हाँ जी बिल्कुल, आज फायदा शेखी के अदालत में 462 अरब रुपए करप्शन केस की समाप्त हुई थी, जबकि समाप्त के बाद डॉक्टर आसिम ने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हमारे खानदान ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं, जिसके उसका सिला आज हमें इस सूरत में मिल रहा है। उनका ये कहना था कि मैं अब अगर बाहर आ गया तो कभी सियासत में नहीं जाऊंगा, कोई सियासी होता कबूल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अपनी डॉक्टरी करूंगा क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, सिर्फ डॉक्टरी के पेशे से ही वाबस्ता रहूंगा। जबकि उन्होंने कौम को यौम आजादी की मुबारकबाद भी दी, जबकि उनका मजीद ये भी कहना था कि अब मेरा सियासत से किसी तरह का कोई भी ताल्लुक नहीं रहेगा, मैंने इस चीज से तौबा कर ली है, कुर्बानियां देने का वक्त था तो मैंने कुर्बानी देने की शुरुआत पहले कर दी है। जी मोहम्मद इरफान अपडेट कर रहे थे। डॉक्टर आसिम को एहतसाब अदालत में पेश किया गया गैर रस्मी गुफ्तगू की मीडिया से, और कहते हैं कि किसी न किसी को तो कुर्बानी देना ही पड़ती है।